हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी के एचपी स्टडीज पे। सो देखिए, एचपी कांस्टेबल की भर्ती आपको जल्द ही देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आज का जो सेशन रहने वाला है, इसमें मैं डिस्कस करूंगा कुछ प्रिसाइस बुक्स के बारे में जिनको आपने जरूर पढ़ना है अगर आप तैयारी कर रहे हो एचपी कांस्टेबल के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ 10-15 बुक्स के बारे में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं बताऊंगा, कुछ प्रिसाइसली मैंने बुक को चूज किया है जो अगर आप पढ़ के चले जाओगे तो आपका एग्जाम क्लियर करने की जो प्रोबेबिलिटी है ये काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो, होता क्या है कि हम एक ही सब्जेक्ट की चार चार बुक्स ले लेते हैं, लेकिन हम एक को भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम यहाँ पे एग्जाम क्रैक करने से रह जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रिसाइसली बुक्स की मैंने फोटोज भी लगाई हुई है, ठीक है, साथ में ही मैंने वहां पे उनके ऑथर्स के नाम भी आपको बता दूंगा, ठीक है, कि जिसने कौन सी बुक लिखी हुई है, राइटर कौन सा है। ठीक है, तो वहां पे उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये स्पेशली पहले बात करते हैं एचपी जीके के बारे में। ठीक है, अब होता है कि 80 क्वेश्चन वहां पे, 80 मार्क्स का आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन सी बुक्स आपको यहाँ पे पढ़नी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर एचपी जीके की बात करते हैं तो आपको होता है बिल्कुल ही आपको स्टैटिक पार्ट रहने वाला है ना। तो आपको यहाँ पे डेट्स हो गया, ठीक है, कौन से राजा ने क्या कब किया था, ठीक है, कौन सा मंदिर कब बनाया गया था, ठीक है, उसके टाइम पे मतलब कौन सी कैपिटल कब ट्रांसफर हुई थी, है ना, कौन सी आपकी जो रिवर है वो कहाँ से बहती है, कौन सी वैली कहाँ पे है, तो इन सभी चीजों को आपने पढ़ना है। तो मैं दो बुक्स आपको रेफर करता हूँ। एक तो आपका ये निम्बस एकेडमी की, यहाँ पे माई स्टेट हिमाचल प्रदेश है, और एक आपकी हिमाचल दर्पण है। अब इन दोनों में आपको फायदा ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, तो इस पर्टिकुलर बुक में अगर आप ज्योग्राफी स्पेशली पढ़ते हो, ठीक है, और स्पेशली आप अगर यहाँ पे हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ते हो, तो आपको यहाँ पे माइंड मैप दिए गए हैं। माइंड मैप के थ्रू होता क्या है कि आपको जब लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना पड़ेगा तो आप काफी इजीली वहां पे रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो वहां पे रिवीजन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर बुक में वो थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिलेगी, अदरवाइज अगर आपने रट्टे ही मतलब यहाँ पे याद ही करना है तो यहाँ पे इसको फिर आप रेफर कर सकते हो, अदरवाइज ये बुक आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो अपनी सहूलियत के अनुसार। ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे ये रेफर करूंगा क्योंकि यहाँ पे खासियत इसकी ये है कि आपको पिक्चर्स के थ्रू, मैप्स के थ्रू, ठीक है, सारी चीजें बताई गई हैं। तो पहले तो ये आपका एचपी जीके की दो बुक्स होगी, इनमें से कोई भी आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। ठीक है, तो अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, मैथ के लिए आप कौन कौन सी बुक्स को रेफर कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है, यहाँ पे आर एस अग्रवाल की बुक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी की बुक है, किरण पब्लिकेशन की, एंड देन आपका यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है, जहाँ पे दिया गया है कि जो 350 प्लस शॉर्टकट्स के थ्रू यहाँ पे दिए गए। तो यहाँ पे इन तीनों में से आप कोई बुक को रेफर कर सकते हो जो आपको लगता है कि मैं इसे अच्छा समझ पाऊंगा, तो इन तीनों बुक्स को देख लेना, इंटरफेस देख लेना, इन तीनों में से किसी एक बुक को रेफर कर लेना, यानी कि तीनों की तीनों खरीद लेना, या फिर आप इनमें से क्या या सपोज करो ये खरीद लो, या इन दोनों में से कोई एक बुक खरीद लो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। क्योंकि शॉर्टकट्स भी जब आप जब क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे तो शॉर्टकट्स भी यहाँ पे करने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम कम होगा। तो ये जो बुक्स है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए, क्वांट के लिए ना। उसके बाद करते हैं यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के लिए। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप सिंगल एक बुक को रेफर कर सकते हो, जहाँ पे आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है किसकी, आर एस अग्रवाल की, सिंपली एक बुक को रेफर कीजिए, यहाँ से आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है उनका आप आंसर यहाँ पे दे पाओगे। ठीक है, तो ये आपकी बुक्स होगी किसके लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए। उसके बाद अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पे आपकी जीके के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में, करंट अफेयर के बारे में, कौन सी बुक को रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है, देखो इतने ज्यादा क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज के नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत वास्ट है आपका जीके वाला सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए जितना मिनिमम रिसोर्स रखो, क्योंकि ज्यादा पढ़ने का भी वहां फायदा नहीं है, आपको स्मार्टली स्टडी करनी है ना। तो यहाँ पे आप एक बुक को फॉलो कर सकते हो कि जनरल नॉलेज, ठीक है, आपका तरुण गोयल की बुक है, इसको आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो, जहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके क्वेश्चन भी दिए होंगे, साथ में आप इसके लिए जो एमसीक्यू की एक बुक आती है उसको भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं कि एक जीएस के ऊपर ही बता ध्यान दे देना है, जबकि जीएस के इतने क्वेश्चन आएंगे भी नहीं ना। तो वहां से आपने इस तरह स्टडी करना है कि मेरे को कौन सा मटेरियल ज्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है। उसके साथ ही अगर यहाँ पे जनरल जीके की आपको बताइए कि जो आपका करंट अफेयर्स है उसके क्वेश्चन भी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए आप 6 मंथ की जो मैगजीन्स है वो रेफर कर सकते हो। 6 मंथ की मैगजीन्स में आप कौन कौन सी ले सकते हो, एक तो ज्ञानम की 6 मंथ की मैगजीन आती है, छोटी सी होती है, वहां पे क्वेश्चन आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर आपको यहाँ पे
मतलब इस इतने इतने सोर्सेज पे रिलाई करना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ के 4-5 क्वेश्चन आएंगे ठीक है, उसके लिए भी आप यहाँ पे अलग अलग मंथली बुक्स पढ़ रहे हो तो फायदा नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पे 6 मंथ की या तो 11 में ले लेना, 6 मंथ की प्रतियोगिता दर्पण की बुक की भी आती है, पीडी की बुक की भी आती है 6 मंथ की, वो थोड़ी सी मोटी होती है, ज्यादा वहां पे जानकारी दी होती है, उसको भी आप रेफर कर सकते हो ठीक है। तो यहाँ पे या तो दोनों को ले लो या किसी एक को बुक को ले लो, वो आपकी मर्जी है, बट मैं यही सजेशन करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों के ही ले लो ना, पीडी की भी ले लो, यहाँ पे ये भी ले लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके पीडी में दिए होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिए होंगे, तो आपको ज्यादा यहाँ पे तैयारी हो जाएगी दो बुक्स से, यानी 6-6 मंथ की बुक से ले लेना। तो ये आपका हो गया जीके और करंट अफेयर का। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे साइंस एंड इंग्लिश में, तो साइंस के लिए आप सिंपली अरिहंत की बुक लीजिए, काफी जनरल क्वेश्चन आपको तो साइंस के पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो किसी को भी नहीं आते होंगे ना, बिल्कुल ही आपका बिल्कुल जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने ओवरऑल तैयारी करनी है तो आप ये जीके की बुक को, मतलब यहाँ पे जनरल साइंस के लिए अरिहंत की बुक को रेफर कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे सरल भाषा में चीजें आपको बताई गई हैं। लूसेंट की बुक्स थोड़ी सी हाई लेवल की है और इतना हाई लेवल आपके एग्जाम में आता नहीं है ना, तो ये बुक आपके लिए अच्छी रहने वाली है अरिहंत की। देन अगर मैं बात करता हूँ आपकी इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए तो आप यहाँ पे केडी पब्लिकेशन की यहाँ पे इंग्लिश की बुक को रेफर कर सकते हो ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इनको अलाइड के लिए भी ठीक है, यहाँ पे एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए इस बुक का भी रेफर किया जाता है ठीक है। तो अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इंग्लिश से यहीं के हो जाएंगे ठीक है। तो ये दो बुक्स हो जाती है आपकी इंग्लिश और आपकी जनरल साइंस के लिए। देन अगर मैं बात करता हूँ हिंदी के लिए ठीक है, तो हिंदी के लिए भी आप दो बुक्स को यहाँ पे रेफर कर सकते हो ठीक है। एक तो आपका सिंपल हिंदी व्याकरण है ठीक है, यहाँ पे जो आपका कामता प्रसाद गुरु है इनके द्वारा हिंदी व्याकरण की बुक आती है, इसको आप रेफर कर सकते हो ठीक है। साथ में सामान्य हिंदी की बुक भी आती है जो लूसेंट की बुक है ठीक है, इन दोनों में से कोई भी बुक है आप इन दोनों में से रेफर कर सकते हो। और आपको बताइए क्वेश्चन की आपको एक यहाँ पे बुक ले लेनी चाहिए ना, जहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए हो हिंदी के, वो ज्यादा क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट करोगे उतना आपकी जो तैयारी है वो काफी अच्छी हो जाएगी ठीक है। तो ये बुक्स है जो मैंने आपको प्रिसाइसली बता दी है कि जो बुक्स आपने पढ़नी है, एक बुक को शुरू पढ़ो, पकड़ो पूरा कंप्लीट करो, फिर देखो यहाँ पे कि उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ, फिर देखो क्वेश्चन लगाने के बाद कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, देन किसी अदर बुक पे शिफ्ट करना ठीक है। अदरवाइज आपको पढ़ते पढ़ते भी समझ आ ही जाएगा कि यहाँ पे इस बुक में कितना अच्छा दिया हो कितना नहीं दिया होगा ना। तो यहाँ पे ये सारी बुक्स हैं प्रिसाइसली, इन्हीं को अगर आप रीड करोगे तो आप इजिली आप यहाँ पे जो अपना एग्जाम है उसको आप क्रैक कर सकते हो ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और कोई डिटेल में, अगर आपको इतना भी नहीं कर सकते बुक्स नहीं मतलब पढ़ना चाहते, तो आप हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। आपका जो लाइव बैच है जल्दी आने वाला है, रिकॉर्डेड बैच अभी आपके चल रहे हैं, तो उन रिकॉर्डेड बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हो ठीक है जी। तो होप करता हूँ सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी ठीक है। तो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को यार लाइक कर देना ठीक है, और इसको शेयर भी कर देना ठीक है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट।